हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी अफेयर्स। आई एम निशा। अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई है स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया इन 2021। ये WMO की रिपोर्ट है। इसने बोला है कि एशिया सबसे ज़्यादा डिज़ास्टर प्रोन रीजन है पूरे वर्ल्ड में। हाईलाइट्स हैं रिपोर्ट के, ओवर 50 मिलियन पीपल आर डायरेक्टली अफेक्टेड ड्यू टू क्लाइमेट, वेदर, वाटर रिलेटेड डिज़ास्टर इन एशिया ड्यूरिंग 2022। डिज़ास्टर ऑफ नंबर ऑफ इवेंट्स हैं वो डिक्रीज़ हुए हैं एज़ कम्पेयर टू 2021, बट जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इफ़ेक्ट जो इसका देखने को मिल रहा है हमें कि नंबर ऑफ़ फैटलिटीज़ बढ़ गई हैं, इकोनॉमिक डैमेज बढ़ गया है, और जो पीपल नंबर ऑफ़ इफेक्ट हो रहे थे वो ज़्यादा बढ़ गए हैं। जैसे कि 5879 एशियंस हैं वो नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से डेथ हो गई है उनकी, जो कि 2021 से 55% ज़्यादा है। इकोनॉमिक कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा आई है इस बार, लगभग $36 बिलियन की कॉस्ट है। उसमें 42% जो शेयर है वो पाकिस्तान का है। अभी रिसेंट में न्यूज़ आई थी, आप लोगों ने सुना होगा, फ्लड्स आए काफ़ी पाकिस्तान में, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो रिपोर्ट ये WMO की है, इसे रिलीज़ किया गया UN इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक की कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें इसको रिलीज़ किया गया है। UNESCAP इसका हेडक्वार्टर बैंकॉक में है, 1947 में फाउंड किया गया था, और ये 5 रीजनल कमीशन है जो कि UN इकोनॉमिक सोशल काउंसिल के अंडर आती हैं। तो अभी हमने देखा कि इतने सारे लोगों को अफेक्ट किया है, इतने सारे लोगों की डेथ हुई है, तो जो 3,803 की डेथ हुई है उसमें जो डेथ का शेयर है उसमें आप देख सकते हैं कि फ्लड्स जो है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। 78% जो डेथ हुई हैं फ्लड्स की वजह से हुई हैं, और केसेस भी फ्लड्स में ज़्यादा हैं। इवन आप इसमें भी देख सकते हैं पीपल जो अफेक्ट हुए हैं उसमें भी फ्लड्स का नंबर काफ़ी ज़्यादा है, इट्स 44%। और इसमें आप इकोनॉमिक डैमेज में देखते हैं 63% जो डैमेज हुआ है इकोनॉमी को वो फ्लड्स की वजह से हुआ है, देन स्टॉर्म की वजह से, देन ड्रॉट्स वगैरह की वजह से। 1% जो इफेक्ट हुआ है इकोनॉमी को वो हुआ है लैंडस्लाइड की वजह से। और डेथ के शेयर में भी सबसे ज़्यादा फ्लड्स का है, उसके बाद स्टॉर्म्स का है, देन ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट का है, देन लैंडस्लाइड्स का है। नेक्स्ट है ये टेम्परेचर डिफरेंस जो देख सकते हैं हम 1850 जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था उससे पहले और आज के टाइम का, तो आप देख सकते हैं कि 0 से आज के टाइम पे 1.2% और 1.4% जाने वाला है जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे। तो आप देख सकते हैं ये पूरा ग्राफ है, इसमें दिखाया गया है कि 1860 में क्या टेम्परेचर्स थे जो अर्थ का नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा, और जो कि पेरिस एग्रीमेंट में टारगेट किया गया है 2 डिग्रीज का जो है वो उसको जो इंक्रीज़ है उसको 2 डिग्री तक ही कम कर, मतलब 2 डिग्री तक का ही करना है, उसको उससे ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है। इसे टारगेट तो 1.5 का है बट मैक्सिमम 2 होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो। तो उसके बाद इसमें भी हम देख सकते हैं कि इसमें जो प्रेसिपिटेशन जो रहता है वर्ल्ड में उसके बारे में ये डेटा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो इधर वाला एरिया है सऊदी अरेबिया मिडिल ईस्ट, तो इसमें जो है बारिश काफ़ी कम होती है, तो आपको पता ही है ड्रॉट वाले एरियाज है, और जो प्रेसिपिटेशन वाले एरियाज है वो काफ़ी कम है, मीन्स ब्लू वाले जो एरियाज है जहाँ पर ज़्यादा प्रेसिपिटेशन रहता है तो उसका काफ़ी नंबर कम है, जबकि ये जो ड्राई एरियाज है काफ़ी ज़्यादा है, अभी स्लोली बढ़ रहे हैं, मीन्स जो प्रेसिपिटेशन वाला एरिया वो कम हो रहा है और जो ड्राई एरियाज हैं वो बढ़ रहे हैं, मीन्स बारिश कम हो रही है। और सी लेवल राइज में भी 3.3 mm पर ईयर का सी लेवल राइज है एवरेज, वही लगातार बढ़ रहा है ओशन वार्मिंग और लैंड आइस मेल्ट की वजह से। देन ग्लेशियल मास बैलेंस, ग्लेशियर जो आइस है वो काफ़ी सेंसिटिव है, जो भी टेम्परेचर चेंज वगैरह होता है या प्रेसिपिटेशन चेंज होता है तो उससे क्या होता है ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, और ग्लोबल का जो सी लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है, वाटर साइकिल में चेंजेस आ जाते हैं और हज़ार आने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, मीन्स ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट वगैरह होने लगते हैं। ओशन हीट कंटेंट देखें तो 90% जो एक्सेस एनर्जी है वो ओशन में चली जाती है, जो भी एनर्जी ग्रीन हाउस गैस एमिशन की वजह से इंक्रीज़ होती है उसमें से 90% जो एनर्जी है वो ओशंस में चली जाती है, जिससे क्या होता है टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो भी डेप्थ होती है उस पर जैसे वार्म ऊपर वाले कम वार्म होने चाहिए तो वो ज़्यादा हो जाती है, तो नीचे की जो बिल्कुल वार्म नहीं होनी चाहिए कोल्ड क्लाइमेट होना चाहिए वो और ज़्यादा हो जाती है। फ्लड्स एंड ड्रॉट की कंडीशन देखते हैं 2022 में, तो इकोनॉमिक लॉसेज में फ्लड्स जो था उसने जो एवरेज था पास्ट 20 ईयर्स का उसको क्रॉस कर दिया इस बार। तो मेजरली जो इम्पैक्ट हुआ है इकोनॉमिक लॉसेस का वो पाकिस्तान में हुआ है 15 बिलियन,
चाइना में 5 बिलियन, इंडिया में 4.2 बिलियन। तो पाकिस्तान का ने काफ़ी बड़ा शेयर है इकोनॉमिक लॉसेस में। देन इकोनॉमिक लॉसेस हुए ड्रॉट से रिलेटेड तो 7.6 बिलियन, मेनली अकॉर्डिंग चाइना एक्सीडिंग द 20-ईयर एवरेज बाय नियरली 2200% इंक्रीज किया इसने। अगर 2021 से हम कंपेयर किए तो फिर ड्रॉट का जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो डबल हो गया है। देन चैलेंजेस क्या क्या हैं कि एशिया जो है बहुत ही लैंडमार्क्स के अगर कम देखें तो बहुत ज़्यादा बड़ा कॉन्टिनेंट है, इसकी वजह से जो एवरेज से भी ज़्यादा वार्म हो रहा है क्योंकि लैंड जो होती है वो हीट को अब्जॉर्ब करती है, मीन्स और अब्जॉर्ब करती है फिर रेडिएट करती है, तो उसका प्रोसेस चलता रहता है बट वो जल्दी अब्जॉर्ब करती है। तो इसमें देखा जा रहा है कि एशिया में 0.73 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर वो बढ़ गया है 2022 में। तो इस वजह से 2022 जो है वो सेकेंड और थर्ड वार्मेस्ट ईयर हो गया है रिकॉर्ड में। और ग्लोबल आइस जो है काफ़ी मेल्ट हो रही है, ग्लेशियर्स काफ़ी मेल्ट हो रहे हैं, इसकी वजह से सी लेवल राइज हो रहा है, इससे सोशल इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन के चांसेस हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और लगभग सॉरी रीजनल सी लेवल है वो 4 mm पर ईयर बढ़ गया है। द एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट हो रहा है वो एग्रीकल्चर पर हो रहा है, लगभग 25% से भी ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो एग्रीकल्चर पर हो रहा है। सॉरी इसमें नेक्स्ट जो हम इसको इम्प्रूव करना होगा हमें, क्योंकि प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो एक अर्ली वार्निंग सिस्टम होगा जिससे कि जो इम्पैक्ट है डिज़ास्टर का उसको कम किया जाए और जो भी इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया जाए। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को हमें सेंट्रल पे रखना होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट रहता है क्लाइमेट चेंज का वो एग्रीकल्चर पे होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें ग्राफ में कि जब हम अगर अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा रहे हैं तो जो हमारा लॉसेस हैं वो काफ़ी कम हो रहे हैं और हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है वो काफ़ी जल्दी शुरू हो रहा है। तो आप जैसे ये देख रहे हैं कि हम कोई क्राइसिस हो रहा है, अगर अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है, कोई क्राइसिस होगा फिर रिस्पॉन्स बिगिन होगा, फिर ह्यूमैनिटी एड बढ़ाई जाएगी, फिर एक रिस्पॉन्स होगा, तो जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। अगर वही हम अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाते हैं तो हमारा जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी हद तक कम हो रहा है, आप गैप देख सकते हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा इसमें कि जो भी रिस्क है हमारे फ्लड्स हैं ड्रॉट्स हैं तो हमें पहले ही पता चल जाना चाहिए अर्ली वार्निंग सिस्टम के थ्रू, जिससे कि इम्पैक्ट को काफ़ी हद तक कम किया जाए। तो हम हेल्थ में स्पेशली जो ऐसे बायोलॉजिकल वेपन्स हो गए या फिर जैसे जूलॉजिकल जो डिजीज़ आ रही हैं जैसे COVID-19 अभी आया था, तो ऐसी डिजीज़ से लड़ने के लिए हमें हेल्थ में काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट करना होगा, सोशल प्रोटेक्शन देनी होगी लोगों को, जिससे कि डिजास्टर से अगर इम्पेक्टेड हैं तो उन्हें उनको जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं उनको पहले ही सॉल्व कर दिया जाएगा। और हमें एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच रखनी होगी कि हम एक रेशियो के हिसाब से दोनों चीज़ों में इन्वेस्ट करें, मीन्स हेल्थ में भी और जो एडेप्टेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं उनमें भी। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसको PDF चाहिए तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।